Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is noble gas. या इसी को हम लोग बोलते हैं group 18 element. तो group 18 element कहिए या तो फिर noble gas कहिए, दोनों क्या है? Same है. ये जो है आपका semester 3 का एक chapter ही है. Noble gas एक chapter ही है, उसी का हम lecture 1 discuss कर रहे हैं. तो इसमें जो है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन होगा कि नोबल गैस या ग्रुप 18 एलिमेंट्स होता क्या है. नहीं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है और भी बहुत कुछ. तो इस क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शंस देखेंगे नोबल गैस के बारे में. ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए नोबल गैस या ग्रुप 18 एलिमेंट्स. ठीक है, अब आराम से केवल आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको हम लास्ट में लिखने के लिए टाइम देंगे. नहीं तो कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है नोबल गैस में, सबसे फर्स्ट उसके बारे में बात करते हैं. तो जो एलिमेंट्स होता है नोबल गैस में वो होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन एंड रेडन. ये टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं किसमें, नोबल गैस में. और इन्हीं सब को हम कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके बगल में लिखा हुआ है कि हीलियम को दिखाते हैं एच से, नियोन को एम से, आर्गन को ए आर से, क्रिप्टन को के आर से, जेनन को जेडी से एंड रेडन को आर एन से. ठीक है, तो ये इसका हो गया सिंबल. अब बात करें कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर भी लिखा हुआ है कि 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86. बट इसको याद करने का आपको हम एक तरीका बता रहे हैं कि यहां से यहां जब जाइए तो प्लस 8 का इंक्रीमेंट हुआ, यहां से यहां जाइए तो यहां पर भी प्लस 8, यहां से यहां जाइए तो प्लस 18 और यहां से यहां जाइए तो प्लस 18 का इंक्रीमेंट हुआ और यहां से यहां जाने पे प्लस 32 का इंक्रीमेंट होगा. मींस आप 2 से स्टार्ट कीजिए, प्लस 8 ऐड कीजिए तो फिर नियोन का, फिर उसमें प्लस 8 ऐड कीजिए तो आर्गन का, प्लस 18 ऐड कीजिए तो क्रिप्टन का, प्लस 18 ऐड कीजिए तो जेनन का और फिर उसमें प्लस 32 ऐड कीजिए तो फिर रेडन का. मींस ये एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका है. अब हम बात करते हैं मास नंबर. तो इसका होता है 4, इसका 20, 40, 83.8 एंड 131.3 to 22. ये हुआ आपका मास नंबर. और उसके बगल में फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है. ठीक है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है. तो हम क्या क्या देखें कि कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है ग्रुप 18 में या नोबल गैस कौन कौन सा होता है उसको देखें, फिर उसका सिंबल देखें, उसका एटॉमिक नंबर देखें, उसका मास नंबर देखें और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें. तो अब हम बात करते हैं कि ये जो है आपका जितना भी नोबल गैस है मीन्स ग्रुप 18 एलिमेंट है, इसको याद करने का कोई तरीका मीन्स कोई ट्रिक जिससे कि हम इसको याद कर सके. तो वही ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं कि ही नेवर अराइव्स कर जीरो रन पे आउट. ये आपका ट्रिक है किसको याद करने का, ग्रुप 18 के एलिमेंट को, नोबल गैस को याद करने का कि ही नेवर अराइव्स कर जीरो रन पे आउट. कैसे वो देखिए, ही मींस हीलियम, नेवर मींस नियोन, अराइव्स मींस आर्गन, कर मींस क्रिप्टन, जीरो मींस जेनन एंड रन पे आउट मींस रेडॉन. ठीक है, तो ही नेवर अराइव्स कर जीरो रन पे आउट, ये आपका ट्रिक है नोबल गैस को याद करने का या तो फिर ग्रुप 18 एलिमेंट को याद करने का. ठीक है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6 और NH2NP6 जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. नहीं कैसे स्टेबल होता है, S में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2 और P में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 6. मींस S में 2 और P में 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में S ऑर्बिटल भी फुलफिल है और P ऑर्बिटल भी फुलफिल है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा. मींस ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा अपने ऑर्बिट से. अरे आप अपने से सोचिए कि जो अमीर व्यक्ति होता है ना तो किसी से उधार पैसा लेना चाहता है ना किसी को देना चाहता है, इसको अपने से मतलब है, इसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है. तो वही हाल है नोबल गैस का कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह NH2NP6 है. मींस ये अपने आप से फुलफिल है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा. ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ.
और अगर आप बात करें अलग अलग नोबल गैस का तो वो यहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस आर मोनो एटॉमिक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इसका बहुत ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसी के कारण जो है ये कलरलेस होता है, नहीं मोनो एटॉमिक होता है और ऑर्डरलेस होता है। मोनो एटॉमिक कहने का मतलब क्या कि ये जो है मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब कैसे समझे इसको, मींस ये जो है HE के फॉर्म में आप हमेशा इसको देखिएगा, Me के फॉर्म में देखिएगा, Ar के फॉर्म में देखिएगा, Zn के फॉर्म सॉरी Rn के फॉर्म में देखिएगा, नहीं Xe के फॉर्म में देखिएगा, ठीक है। मींस हमेशा आप इसको मोनो एटॉमिक के फॉर्म में देखिएगा, कभी आप इसको नहीं देखिएगा कि HE2+ के फॉर्म में है, नहीं या तो फिर Ne3 के फॉर्म में है, Ar4 के फॉर्म में है, ऐसा आप नहीं देखिएगा। हमेशा ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मोनो एटॉमिक। सेकेंड, इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है और ये ऑर्डरलेस होता है। ये सब के पीछे का कारण ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं, मोनो एटॉमिक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इन नोबल गैस एटॉमिक रेडियाई करस्पॉन्ड टू वैन डर वाल रेडियस। नोबल गैस में एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या करस्पॉन्ड करता है, किससे करस्पॉन्ड करता है, वैन डर वाल रेडियस से, व्हिच इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशंस ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल। मींस सीधा बात कि एटॉमिक रेडियाई जो है नोबल गैस में वह डाउन द ग्रुप मींस ऊपर से नीचे आने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब ऐसा क्यों, यहां पे एटॉमिक नंबर कम होगा ऊपर में, फिर उसके नीचे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, उसके नीचे जाएंगे और एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, मींस रेडियस भी बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है इसका वेरी हाई होता है। सबसे फर्स्ट आप आयोनाइजेशन एनर्जी को समझिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका जो कोई भी एलिमेंट का या कोई भी हाइड्रोजन गैस का सॉरी नोबल गैस का अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को निकाले, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, तो उसको निकालना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसा क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी उसी के चलते इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। मींस ऊपर से नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ड्यू टू स्टेबल NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशंस नोबल गैसेस एटम्स हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन। बात किया जा रहा है कि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन p में 6 इलेक्ट्रॉन ये अपने आप में फुलफिल है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी नहीं रखता, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी नहीं रखेगा तो उसका मतलब क्या है कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगा। मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रोच करेगा जीरो से, नहीं हम भाई खुद से स्टेबल है, हमको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हुआ। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट स्टेप का, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह लो होता है, नहीं अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो कैसे होता है वो चीज देखिए, बिकॉज ऑफ नो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स, नहीं दैट इज वैन डर वाल फोर्स विच इंक्रीज और इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। अब इसी के चलते अगर हम बात करें तो इसी ग्रुप 18 एलिमेंट में हीलियम जो होता है इसका आपका सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, नहीं सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका, हीलियम का, जो कि होता है 4.2 केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट, इज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज वैन डर वाल फोर्स, नहीं इज ऑफ लिक्विफिकेशन जो होगा वो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मींस ऊपर से नीचे जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका कारण क्या है कि वैन डर वाल फोर्स क्या करता है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जाने पे। नेक्स्ट पॉइंट, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, नहीं ये बहुत स्लाइट सोल्यूबल होता है वाटर में, सोल्युबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन,
कहां से? ऊपर से नीचे जाने पे क्या करेगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, मींस डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। इसका कारण क्या है? एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशंस आल्सो इंक्रीजेस। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट कि मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटालिक कैरेक्टर जो है वह डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है, मींस ऊपर से नीचे जाइए तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब मेटालिक कैरेक्टर का क्या फंडा है कि मेटालिक कैरेक्टर्स मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब आप ही बताइए कि यहां पे इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होगा कि यहां पे ऊपर में कि नीचे में? ऊपर में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में वो न्यूक्लियस से ज्यादा पकड़ में होगा, और नीचे बात करें वही तो ऑर्बिट थोड़ा दूर हो जाएगा, मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाएगा, मीन्स पकड़ दूर हो जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? मुश्किल होगा, मीन्स ज्यादा यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा एज कंपेरिजन टू रेडोन। मीन्स हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कंपेरिजन टू रेडोन। वाई? क्योंकि एटॉमिक रेडियस यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, नहीं? ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर्स किधर इंक्रीज करेगा? डाउन द ग्रुप जाने पे, मींस ऊपर से नीचे जाने पे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। हम देख लिए नोबल गैस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि नोबल गैस होता क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, नहीं आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वर्क करता है, मेटालिक कैरेक्टर का क्या रोल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब बातें हम डिस्कस कर दिए इस क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उस क्लास में देखेंगे ऑकरेंस ऑफ नोबल गैस कि ये कहां से हमें मिला, और उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसका यूजेस क्या क्या है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और इसको पॉज करके नोट कर लीजिए।